मेरे साथ कनेक्टेड थे उनको मैंने दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी अबाउट एडजेक्टिव्स, जो कल मेरी क्लास को देख रहे थे और सुन रहे थे, समझ रहे थे। मैंने आखिरी जब मैं क्लास को क्लोज कर रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, क्लास सीखने के हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स थे। तो क्लास लगाई थी उससे हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान हासिल करे, जिसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो जो दो ज्ञान, जो दो नॉलेज, जो दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने हासिल करी, कोई बच्चा जो कनेक्टेड था मेरे साथ बता सकता है वो दो इन्फॉर्मेशन क्या थी? जब हम एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे तो दो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी, वो दो इन्फॉर्मेशन थी क्या? एग्जैक्टली बहुत अच्छे रोवर ऋषभ, बहुत अच्छे, सुपर्ब, राइट बेटा, परफेक्ट। आंसरों की झड़ी आने लगी, बिफोर नाउन एंड आफ्टर नाउन, मॉली परफेक्ट, शिवानी सुपर्ब, राइट, बिल्कुल सही। सारे बच्चे जो है राइट आंसर दे रहे हैं। हमने दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीखी थी कि एडजेक्टिव्स को यूज करने के देर आर टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है नाउन से पहले और एक है नाउन से बाद में। पहली इंफॉर्मेशन ये थी और दूसरी इंफॉर्मेशन में हमने सीखा वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं हो सकते। फटाफट से टाइप कर डालो वो कौन कौन से शब्द हैं जो कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं हो पाएंगे। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स थे, फटाफट से टाइप करिए। राइट, अग्लो, अस्लीप, अब्लेज, बहुत अच्छे, अफ्रेड, अलाइव, बहुत अच्छे, एवर्स, सुपर्ब, ग्लैड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, सुपर्ब, सुपर्ब। चलिए आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर जाएंगे। थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव ही नाम है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो एक बार फाइनली यस टाइप कर दीजिए, जिससे मैं क्लास को आगे बढ़ा पाऊं आज की। चलिए बहुत ही बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक फ्रेज लिखने जा रहा हूं। अपनी लाइफ में आपने बहुत बार सुना होगा और शायद ये आपने देखी भी होगी। ध्यान से देखिए, मैंने एक शब्द लिखा, क्या लिखा मैंने, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, द अमेजिंग स्पाइडरमैन। हम सब ने यह मूवी देखी होगी, देखी नहीं तो सुना जरूर होगा इसके बारे में, राइट और रॉन्ग। मूवी का नाम क्या था? द अमेजिंग स्पाइडरमैन। अब देखिए, जनरली एक जो आम बच्चा है, जो बेसिक नॉलेज लेकर बैठा है, उसके लिए ये जो आईएनजी शब्द होते हैं, जो क्या होते हैं, आईएनजी शब्द होते हैं, उनको वो पहचानता है किस तरीके से, वर्ब की तरीके से, क्योंकि बचपन से उसको ये पढ़ाया गया है कि जिनके साथ आईएनजी लग जाता है वो क्रियाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। यही पढ़ते हुए व्याकरण में या ग्रामर में हम बड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कल जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको क्लियरली बोला था, परिभाषाओं में हम नहीं जाएंगे, हम यूजेस में जाएंगे। और कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी थी, अगर कोई भी शब्द, अगर कोई भी शब्द किसी नाउन फॉर्म के बारे में जानकारी दे रहा है, अगर कोई भी शब्द किसी नाउन फॉर्म के बारे में जानकारी दे रहा है, तो चाहे वो कैसा भी दिखता हो, चाहे वो कैसा भी दिखता होगा, वो एडजेक्टिव ही होगा। क्या वो एडजेक्टिव ही? फटाफट से इस तीन वर्ड्स के फ्रेज में मुझे नाउन बताइए कौन सा है, मुझे नाउन बताइए कौन सा है। ये जो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें नाउन कौन सा? स्पाइडरमैन। हम सारे जानते हैं स्पाइडरमैन जो है वो इसमें क्या है, वो इसमें है नाउन, वो इसमें क्या है, नाउन है। ये नाउन फॉर्म हमारा क्या बना? स्पाइडरमैन। और ये स्पाइडरमैन कैसा है, ये स्पाइडरमैन कैसा है बताइए, कैसा है ये? ये है अमेजिंग। ये क्या है? अमेजिंग है। यानी ये जो अमेजिंग वर्ड है किसके बारे में बता रहा है? स्पाइडरमैन के बारे में बता रहा है। और स्पाइडरमैन क्योंकि नाउन फॉर्म है और नाउन के बारे में जो भी बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। अभी कुछ बच्चों ने आंसर में लिखा पार्टिसिपल। बेटा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाते, पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव होता है। आप इतना याद रखिए, किसी संज्ञा के बारे में कोई शब्द बताएगा तो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए होगा वो एडजेक्टिव ही।
होगा क्या, वो एडजेक्टिव ही होगा, एडजेक्टिव के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हालांकि ये देखने में आईएनजी है, देखने में ये वर्ब जैसा मालूम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस को इवेलुएट करेंगे तो ये स्पाइडरमैन कैसा अमेजिंग है, कैसा है ये अमेजिंग है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर जिसने मूवी देखी है, ये जो अमेजिंग स्पाइडरमैन है, इस मूवी का नाम अमेजिंग स्पाइडरमैन क्यों पड़ा, इस मूवी का नाम अमेजिंग स्पाइडरमैन क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो स्पाइडरमैन है, ये जो स्पाइडरमैन है, ये सबको क्या कर रहा है, अमेज कर रहा है। ये सबको क्या कर रहा है, अमेज कर रहा है। या अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है। क्या कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है। ये जो स्पाइडरमैन है, ये सभी को क्या कर रहा है, अमेजिंग कर रहा है, अमेज कर रहा है, सबको क्या कर रहा है, अमेज कर रहा है। अमेज करने का मतलब क्या हुआ कि पूरी मूवी के दौरान स्पाइडरमैन के द्वारा एक काम किया जा रहा है, और वो काम क्या है, दूसरों को आश्चर्यचकित करना। कभी वो छतों पर दौड़ रहा है, छत से कूद रहा है, ठीक है, कभी वो ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, और उससे लोग क्या हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, उससे लोग क्या हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जो अमेजिंग वर्ड है, इसके बारे में हमने दो जानकारी हासिल की है। पहली जानकारी है कि क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा कि ये जो स्पाइडरमैन है, ये जो अमेज है ना, ये स्पाइडरमैन इस काम को क्या कर रहा है, कर रहा है। ये अमेज करने वाला काम कौन कर रहा है, स्पाइडरमैन कर रहा है। यानी इस काम का अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो कौन है, ये डूअर है। कौन है, ये डूअर है। पूरी मूवी में स्पाइडरमैन दूसरे लोगों को क्या कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है। दूसरे लोगों को क्या कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है। अब सपोज करिए, ध्यान से सुनिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक फ्रेज लिखा, मैंने कहा द अमेज्ड स्पाइडर। क्या लिखा मैंने, द अमेज्ड स्पाइडर मैन। अभी भी ये जो स्पाइडर मैन है, हम सारे ही जानते हैं नाउन फॉर्म है। और कैसा स्पाइडर मैन है ये, अमेज्ड स्पाइडर मैन। कैसा स्पाइडर मैन है ये, अमेज्ड स्पाइडर मैन है। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। हम जानते हैं कि वर्ब, कोई भी अगर वर्ब है जैसे अमेज है, ये एक फॉर्म में तो आ सकता है, कौन से में, आईएनजी में आ सकता है, और एक इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है जो जनरली ईडी लगाकर बनती है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो एक थर्ड फॉर्म में भी आता है और एक आईएनजी फॉर्म में भी आता है। जब आईएनजी फॉर्म लगाई तो अमेजिंग स्पाइडरमैन बना, जब थर्ड फॉर्म लगाई तो अमेज्ड स्पाइडरमैन बना। अब यहां पर मुद्दा इस बात को सीखने का है कि इनका मतलब में परिवर्तन कैसे हुआ। सपोज करिए ये स्पाइडरमैन इंडिया में आ जाए, सपोज करिए ये स्पाइडरमैन इंडिया में आ जाए और ये छतों से कूदना शुरू करे, छतों से कूदेगा, दूसरी बिल्डिंग में जाने की जगह बीच में तारों में उलझ जाएगा, इतने सारे तार बिछे हुए हैं, नहीं तो कपड़े सुखा रखे होंगे आंटी ने, उसमें लग जाएगा, है ना। सोचे चलो मैं ट्रेन पे कूद कर किसी को बचा लेता हूं, लेकिन देखेगा यहां पर तो ट्रेन के ऊपर बैठकर लोग जा रहे हैं, यहां पर तो ट्रेन के ऊपर बैठकर लोग जा रहे हैं। तो उल्टा वो आया था क्या करने, अमेज करने। उल्टा वो आया था क्या करने, आश्चर्यचकित करने। लेकिन उसके साथ हो उल्टा जाएगा, वो लोगों को देखकर खुद ही क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। यानी वो ये जो काम है आश्चर्यचकित होने का, इसका क्या बन जाएगा, इसका रिसीवर बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, इसका रिसीवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका रिसीवर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो जिस नाउन के लिए लगाते हैं वो नाउन उस काम को कर रहा होता है, वो नाउन उस काम को कर रहा होता है। अगर मैं कहूं द अमेजिंग स्पाइडरमैन, यानी स्पाइडरमैन क्या कर रहा है, अमेज कर रहा है, यानी आश्चर्यचकित कर रहा है। जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं द अमेज्ड स्पाइडरमैन, तो वो काम को कर नहीं रहा होता, उल्टा ये काम किसके साथ हो रहा होता है, उसके साथ हो रहा होता है, उसके साथ हो रहा होता है। यहां पर इस सेंटेंस के हिसाब से ये स्पाइडरमैन अमेज कर रहा है, और इस सेंटेंस के हिसाब से ये स्पाइडरमैन अमेज हो रहा है। यानी आईएनजी लगाऊं तो एडजेक्टिव बताएगा कि ये जो नाउन है ये इस काम को कर रहा है, और जब थर्ड फॉर्म लगाऊं तो बताएगा ये काम इसके साथ हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई है, क्या ये बात आपको समझ में आई है, यस और नो?
चलिए बहुत ही अच्छे, सुपर। देखिए अगर ये बात समझ में आई है तो मैं छोटा सा फ्रेज लिख रहा हूं, आप मुझे बता पाएंगे सही है या गलत है। अगर सपोज करिए मैंने लिखा द बोरिंग बुक और मैंने यहां पर लिखा द बोल्ड बुक, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही रहेगा, कौन सा फ्रेज जो है इसको आप सही बोलोगे और कौन सा मीनिंगफुल फ्रेज है, पहला या दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, पहला या दूसरा, कौन सा फ्रेज जो है वो सही रहेगा? आंसर है पहला। आंसर क्या है? पहला, क्योंकि ये किताब जो है ये बोर कर सकती है, ये किताब जो है ये दूसरों को बोर कर सकती, कोई पढ़ेगा उस किताब ने उसे बोर कर दिया, ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन किताब को बोर नहीं किया जा सकता, किताब को बोर नहीं किया जा सकता, किताब बोर कर सकती है, हाँ है ना, तो ये बोर करने वाला काम कर तो सकती है, यानी इसकी डूअर तो हो सकती है, लेकिन कोई किताब को बोर नहीं कर सकता, किताब को कोई बोर कर नहीं सकता, इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसी तरह से अगर मैं कहूं एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और मैं कहूं एन इंटरेस्टेड स्टोरी, तो भी आप जानते हैं कि किताब जो है किसी को इंटरेस्ट कर तो सकती है, किसी के अंदर इंटरेस्ट जगा तो सकती है, लेकिन खुद इंटरेस्ट नहीं हो सकती, खुद इंटरेस्ट नहीं हो सकती। तो ये मतलब होता है बेसिकली क्या, आईएनजी फॉर्म लगाने का एडजेक्टिव की तरह और थर्ड फॉर्म लगाने का। तो यहीं से कुछ सवाल बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे लिख नहीं पाए हैं वो एक बार लिखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली आईएनजी फॉर्म्स में और ईडी फॉर्म्स में जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, आईएनजी फॉर्म्स में और ईडी फॉर्म में जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो क्या मीनिंग देते हैं। नाउन से पहले आईएनजी लगा है तो वो नाउन उस काम को करेगा, नाउन से पहले ईडी लगा है तो वो काम उसके साथ होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए और लिखना शुरू करिए इसको फटाफट से। छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम खुले दिमाग से सीखें तो बड़े बड़े सवाल सॉल्व होते हैं, और मैं ये प्रूफ करूंगा, कल भी मैंने प्रूफ किया था, आज भी प्रूफ करूंगा, ये छोटी छोटी बातें। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है, हम हमेशा हाई फाई चीजों के आगे भागते हैं और हम पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा, उसको छोड़ दे, तो काम का ही नहीं भाई, काम का सब है, जब तक किसी चीज को आप जड़ पे भी नहीं, किसी भी काम चीज अगर आप जिंदगी में करना, कुछ अपना रखिए, ये एक हिल है, ये एक क्या है, हिल है, ये इस हिल का है फाउंडेशन, सबसे ज्यादा समय लगना चाहिए यहां पर, कोई डायरेक्ट यहां नहीं पहुंचेगा, सबसे पहले समय लगना चाहिए यहां पर, उसके बाद चढ़ाई होती है शुरू, ना तो कोई यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचने वाला, ना कोई यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचने वाला, हर कदम हर सीढ़ी आपको तय करनी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है, बस किसी भी चीज पर अगर कमांड बना रहे हैं कि एक भी सीढ़ी छूट ना जाए। अगर आपका जो ज्ञान है वो बेस से लेके हाईएस्ट लेवल तक है, बीच में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, तो एग्जाम में आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। हमारे साथ ज्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत होती है, या तो वो इसी को टारगेट करते रहते हैं चोटी को, या फिर इसी में अटक के रह जाते हैं, ठीक है, और जर्नी कभी तय नहीं करते, या तो इतना ही आता है, या फिर सोचते हैं हमें टफ टफ तो हमने सीख लिया, बेसिक उसका पीछे का लॉजिक है वही क्लियर नहीं होता, और जब टफ टफ चीजें सीखते हैं तो उनको याद करने बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज हाउ स्टडी हैज टू बी डन, इस तरीके से पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है। आवाज सुन पा रहे हो मुझे एक बार, अगर नहीं, अगर सुन पा रहे हो एक बार यस टाइप करो। चलिए देखिए, लिख लिया होगा आपने ये, इसको लिखिए। चलिए अब मैं एक छोटा सा एक टेस्ट सा ले लेता हूं आपका कि बात आपके दिमाग में फिट हुई है या नहीं हुई है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा द डैश मैन। मैंने पहला ऑप्शन लिखा ए ऑप्शन शॉकिंग, क्या लिखा, शॉकिंग
और दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने क्या, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने क्या, शॉक्ड। मुझे बताइए कि यहां पर क्या ऑप्शन हम दे सकते हैं। अच्छे से दिमाग लगा लीजिएगा, ऐसी तुक्के मत मारिएगा जो मैंने बताया उसके हिसाब से। ए लगाएंगे या बी लगाएंगे या कुछ और भी आ सकता है। राइट, बहुत अच्छे, सोच लीजिए। जो आंसर ए कर रहे हैं या जो आंसर बी कर रहे हैं, एक बार दोबारा सोच लो। जो बात बताई है, तुक्के मत मारो कि दो ऑप्शन देखे तो आंसर एक ही होगा। दिमाग लगाओ, फिट होते हैं क्या, फिट होता है यहां पे। अब आंसर आने शुरू हुए ना, अब लगाया दिमाग आप सबने। देखो आंसर तो यहां पर दोनों आ सकते हैं, मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब मैं कहता हूं द शॉकिंग मैन, जब मैं कहता हूं द शॉकिंग मैन, इसका मतलब है ये जो आदमी है ना, ये किसी को शॉक कर रहा है। ये किसी को क्या कर रहा है, शॉक कर रहा है। ये जो आदमी है ये किसी को शॉक कर रहा है, यानी इस केस में ये क्या है, डूअर है, इस काम को करने वाला है, इस काम को करने वाला। ये आदमी किसी को क्या कर रहा है, शॉक कर रहा है। किसी को क्या कर रहा है, शॉक कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पर द शॉक्ड मैन, क्या लिखूं यहां पर, द शॉक्ड मैन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब यह आदमी किसी को शॉक कर नहीं रहा, उल्टा यह खुद शॉक हो गया है, उल्टा यह खुद शॉक हो गया है। यानी अब यह डूअर ना होकर क्या है, उस काम का रिसीवर है। उस काम का क्या है, ये रिसीवर है। तो दोनों ही वर्ड सही है, लेकिन दोनों मीनिंग जो है वो अलग अलग है और उनको समझना जरूरी है। क्योंकि मैं एक एग्जाम का सवाल लिखने जा रहा हूं, जहां तक मुझे याद है ये एफसीआई के पेपर में पूछा गया था 2017 में। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा द डैश मैन, गॉट अब मुझे राइट आंसर बताइए, अब मुझे राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर बोथ नहीं है, ये मैंने कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लिखा, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए पूछा कि क्या आएगा। अब आंसर आपका आने लगा, अब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने लगा, अभी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने लगा। आपको पता है कि यहां तक तो मैं दोनों यूज कर सकता था, लेकिन जब मैं आगे पढ़ रहा हूं तो देखता हूं क्या लिखा हुआ है, गॉट स्पीचलेस ड्यू टू फियर, गॉट स्पीचलेस ड्यू टू फियर। यानी वो क्या हो गया, शांत हो गया, उसके पास शब्द नहीं रहे। और शब्द क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो क्या था, डरा हुआ था। क्योंकि वो क्या था, डरा हुआ था। अगर वो डरा हुआ था तो वो शॉक कर रहा होगा या खुद शॉक में होगा, अगर वो डरा हुआ था तो वो शॉक कर रहा होगा या खुद शॉक में होगा। आंसर है वो खुद शॉक में होगा, यानी वो इस काम को कर नहीं रहा होगा, शॉक वाला काम इसके साथ हो गया होगा, ये खुद शॉक में होगा। और इसलिए राइट आंसर क्या है, शॉक्ड है। इसलिए राइट आंसर क्या है, शॉक्ड है। अगर ये बात आपके पल्ले पड़ी है और आपके दिमाग में फिट बैठी है, एक बार यू टाइप करिए। मैं जानना चाहता हूं कि हर बच्चा जो इस क्लास में है वो इस बात को समझ पाया है। मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उठाऊंगा और डायरेक्ट आपको एग्जाम की तरफ लेकर जाऊंगा। और मजा आ रहा है तो एक बार वाओ टाइप करो। मैं जानना चाहता हूं कि इंटरेस्ट जनरेट हो पा रहा है आपके अंदर या नहीं हो पा रहा, उस एनर्जी के साथ आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो। मजा तभी आता है जब सामने वाली पार्टी भी उतना ही इंटरेस्ट हो, ठीक है। मैंने जब टीचिंग चूज किया था ना एज अ प्रोफेशन, इट वॉज नॉट आउट ऑफ कि यार मुझे पैसा कमाना है या जॉब करनी है, इट वॉज नॉट आउट ऑफ यू नो मनी, इट इज नॉट नॉट अबाउट कि कुछ करना है, नहीं, इट इज मोर अबाउट इंटरेस्ट, इट वॉज मोर अबाउट इंटरेस्ट। मेरा इच्छा थी, मेरे अंदर चाव थी, मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, मुझे लगता था कि ये वो काम है जो मैं लाइफ टाइम कर सकता हूं उतनी ही एनर्जी के साथ। तो जब पढ़ा रहे हैं तो इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि वो सेम इंटरेस्ट आपके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। आप रिसीवर हो मेरी इंफॉर्मेशन का, मैं नॉलेज आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो उसी इंटरेस्ट के साथ वो ज्ञान आपको लेना, वो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखना, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं एग्जाम का,
इस सेंटेंस को पढ़िए। आरबीआई का अगर आपने एग्जाम कभी दिया है या देने की कोशिश किया या पास में पेपर सॉल्व किया, तो ग्रेड बी का एक काफी अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, तो वहां पर यह सवाल पूछा गया था, द इंस्पायर्ड स्टोरी, द इंस्पायर्ड स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, द इंस्पायर्ड स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स हु ट्रेवल्ड थाउजेंड ऑफ माइल्स इन सर्च ऑफ देयर फादर ब्रॉट टीयर्स टू मैनी। कहा जा रहा है कि एक ऐसी कहानी दो भाइयों के बारे में जिन्होंने हजारों मील की दूरी तय की, किसके लिए? अपने पिताजी को ढूंढने के लिए। कई लोगों की आंखों में आंसू ले आई, कई लोगों की आंखों में आंसू ले आई, एक ऐसी स्टोरी जो दो लोगों के, दो भाइयों के बारे में थी जिन्होंने हजारों माइल का सफर तय किया अपने फादर के लिए, काफी लोगों की आंखों में आंसू ले आई। अब यहां पर मुद्दा इस बात का है कि ये जो वर्ड है स्टोरी, ये हम जानते हैं नाउन है। अब मुझे बताओ ये जो स्टोरी है, यहां पर आप देख रहे हो लिखा हुआ इंस्पायर्ड, क्या लिखा हुआ है? इंस्पायर्ड। ये स्टोरी जो कहानी है वो किसी को इंस्पायर करेगी या खुद इंस्पायर होके बैठ जाएगी? ये डूअर होगी या रिसीवर होगी? टाइप डूअर और रिसीवर। ये जो कहानी है ये किसी को कहानियां इंस्पायर करती हैं या खुद इंस्पायर हो जाती हैं? कहानियों से आपको मोटिवेशन देती हैं या खुद मोटिवेटेड हो जाती हैं? आंसर है कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। कहानियां हमें क्या करती हैं? इंस्पायर करती हैं, हमारे अंदर एक जुनून पैदा करती हैं। जब हम कोई मूवी देखते हैं, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो अगर हम उसको कह रहे हैं कि वो इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसका मतलब वो हमें इंस्पायर कर रही है। तो इसी प्रकार से जब हम कहते हैं द इंस्पायर्ड स्टोरी, ये स्टोरी इंस्पायर्ड नहीं है, खुद इंस्पायर होके नहीं बैठी हुई है, दिस स्टोरी हैज इंस्पायर्ड, इसने इंस्पायर करने का काम किया है। और अगर इसने इंस्पायर करने का काम किया है तो यहां पर लिखा जाना चाहिए क्या? द इंस्पायरिंग स्टोरी। क्या लिखा जाना चाहिए? द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स हु ट्रैवल्ड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन सर्च ऑफ देयर फादर ब्रॉट टीयर्स टू मैनी। अगर बात क्लियर है तो क्लियर टाइप करिए और इस सेंटेंस को फटाफट से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। मैं ऊपर वाला सेंटेंस भी हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आप दोनों ही सेंटेंस को लिख पाए। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, कोई भी कहानी जो है हमेशा दूसरों को इंस्पायर करती है, कोई भी कहानी जो है हमेशा दूसरों को इंस्पायर करती है, खुद इंस्पायर होकर नहीं बैठ जाती। कहानी का मकसद होता है कि वो दूसरों के अंदर जुनून पैदा करे, उनको इंस्पायर करे। अगर कहानी इंस्पायर कर रही है तो इसका मतलब है ये डूअर है, और अगर ये डूअर है तो पहले आईएनजी आना चाहिए ना कि ईडी। पहले क्या आना चाहिए? आईएनजी आना चाहिए ना कि ईडी। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक सीखेंगे भी नहीं। अगर हम फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ाई करेंगे तो कभी वो ज्ञान हासिल होगा नहीं हमें। पढ़ना ऐसे चाहिए कि सुबह उठे ना तो सबसे पहला मन यही करे कि क्लास शुरू हो जाए, और अगर ये मन नहीं कर रहा ना तो कहीं ना कहीं कमी है, अप्रोच में या टीचर में कमी है, दोनों में से एक जगह जरूर कमी है। या तो वो आपको उस तरीके का इंस्पिरेशन नहीं दे पा रहा, या आप खुद को उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। Yes, I can explain this in English, beta, but majority of the students in the class, you know, they are generally aware of Hindi language and I think they are not very comfortable speaking English language. So the main reason I am translating most of the things in Hindi is they can only understand Hindi. But for you, I can do this. The purpose of this sentence is if I am using this particular word story, it means that this story is doing something, which means it is inspiring somebody. And whenever a noun does something, we use ing over here. And when something happens to the noun, we use ed. So if this noun is doing something, we'll use ing. If something happens to this noun, we'll use ed. I think now the concept must be clear, right? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो क्वेश्चन आप ही के एग्जाम से उठाए हैं मैंने जो इसी बात पर पूछे गए हैं, जरा हम देखते हैं इनको, देखिए जरा एक बार। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, पहला पूछा गया है, दूसरा मैंने खुद बनाया हुआ है। मुझे इनमें से एक गलत है, मुझे बताइए पहला गलत है या दूसरा गलत है।
वन ऑफ देम इज रॉन्ग, इन दोनों में से एक सेंटेंस रॉन्ग है, कौन सा वाला रॉन्ग है? पोस्टमार्टम करेंगे अभी तीनों सेंटेंस का, एक एक वर्ड को समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो एग्जाम में फायदा होना चाहिए, इसीलिए एग्जाम के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि जो ज्ञान हासिल किया है वो एग्जाम में काम भी आएगा या ऐसे ही है फालतू में। तो भाई एग्जाम के सवाल हैं, जरा दिमाग लगाइए, सारे समय लीजिए, कोई जल्दी नहीं है मुझे। थिंक अबाउट इट, एक एक वर्ड को एनालाइज करो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ो, बाकी मैं मीनिंग समझाने वाला हूं। बहुत अच्छे, मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन द राइट आंसर, ज्यादातर बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, यानी आप चीजों को समझ रहे हैं अच्छे से। अब देखिए, समझते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं सेंटेंस का। द शॉकिंग मैन, अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये इस आदमी ने क्या किया, शॉक कर दिया होगा किसी को, इस आदमी ने किसी को शॉक कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है कुड नॉट बिलीव द फैक्ट, वो इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पाया, वो इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पाया, कौन सा, कि दैट ही वॉज बिट्रेड बाय हिज ओन चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कि उसे उसके अपने खुद के बचपन के दोस्तों ने क्या दे दिया, धोखा दे दिया। वो इस बात को स्वीकार, अगर मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे बचपन के दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया, तो मैं किसी को शॉक कर रहा हूं या मैं खुद शॉक दूं, मैं किसी को शॉक कर रहा हूं या मैं खुद शॉक दूं। ऑब्वियसली बात है, मेरे साथ धोखा हुआ है तो मैं शॉक्ड होऊंगा ना, मैं करूंगा थोड़ी ना, और अगर करूंगा नहीं तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, शॉक्ड आना चाहिए, यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, शॉक्ड आना चाहिए। अब जाके आंसर क्या हुआ, राइट हुआ, अब जाके आंसर क्या हुआ, राइट हुआ। ठीक है, क्लियर है तो क्लियर टाइप करो, इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर ओवर हियर। चलिए बहुत ही अच्छे, आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द शॉकिंग मैन, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आगे पढ़ते हैं, विदाउट केयरिंग अबाउट हिज ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी की परवाह किए बिना, अपनी सेफ्टी की, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, जंप्ड इनटू द रिवर, नदी में कूद गया, नदी में कूद गया, एंड सेव्ड अनदर मैन, और दूसरे इंसान की जान बचा ली उसने, दूसरे इंसान को बचा लिया। ऐसा आदमी जो बिना अपनी परवाह किए पानी में कूद गया और किसी को बचा लाया, वो खुद शॉक्ड है या दूसरों को उसने शॉक कर दिया अपने काम से? आंसर बताइए कि वो खुद शॉक्ड होगा या दूसरों को उसने शॉक किया होगा? ऑब्वियसली बात है, उसने शॉक किया होगा, और उसने शॉक दूसरों को अपने कर्तव्य से, वो कूद कर बचा लाया उस काम से, उसने दूसरों को शॉक कर दिया, यानी ये आदमी शॉक करने का काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो ये सेंटेंस क्या है, नो एरर है, सेंटेंस में कोई भी इश्यू नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर सेकंड सेंटेंस क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए फिर से, अगर इफ सेकंड सेंटेंस इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर ओवर हियर। चलिए बहुत ही अच्छे, अब थोड़ा सा लेवल और उठाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बताओ ए बी सी डी ई, इनमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी ई, विच ऑप्शन इज राइट? चलिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि कुछ भी हो, ऑप्शन कुछ भी हो, लेकिन जो भी आएगा वो आएगा कौन से नाउन के लिए। अब यहां पर द ग्रोथ इन इंडिया इज डैश, क्या है डैश? आंसर है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। ये जो भी लिखा जाएगा या जो भी आंसर आएगा वो किसके लिए आएगा? ग्रोथ के लिए। इंडिया की जो ग्रोथ है वो क्या है? डैश है। वो क्या है? डैश है, यानी जो भी मैं वर्ड यूज करूंगा वो इस ग्रोथ के लिए यूज करूंगा। अब आगे आ जाइए, The growth from 140 million connections in 2005, 2005 में 140 million connection से जो growth हुई 181 million connections की, वो क्या है? Now is very dash। यहां पर भी जो very के बाद जो dash लगाया गया है वो किसके लिए? इस growth के लिए लगाया जा रहा है।
किसके लिए लगाया जा रहा है? इस ग्रोथ के लिए भी। अब हम जानते हैं आईएनजी अगर हटा भी दें तो दो शब्द हैं हमारे पास, एक अमेज है और एक इंप्रेस है। एक अमेज है और एक क्या है? इंप्रेस है, हाँ है ना? एक अमेज है और एक क्या है? इंप्रेस है। अब मुझे बताओ कि ये जो ग्रोथ है इसकी वजह से ये दूसरों को इंप्रेस कर रही है, खुद इंप्रेस होके बैठी है? ये जो ग्रोथ है इंडिया की, इससे लोग इंप्रेस हो रहे हैं या खुद ही इंप्रेस होके बैठी है? ये डूअर है या रिसीवर है? मुझे बस इतना बता दीजिए, ये ग्रोथ खुद इंप्रेस होके बैठ गई है, दूसरों को इंप्रेस कर रही है? डूअर है। आंसर क्या है? ये इससे दूसरे इंप्रेस हो रहे हैं। इससे क्या हो रहे हैं? जो भारत की ग्रोथ है ना, उससे सब इंप्रेस हो रहे हैं, खुद इंप्रेस होके नहीं बैठी है। इससे सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये खुद आश्चर्यचकित होकर बैठी नहीं है। यानी ये जो ग्रोथ है ना, ये अमेज करने वाला काम कर रही है, ये जो ग्रोथ है ये इंप्रेस करने वाला काम कर रही है। और अगर कर रही है तो सोचने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। लिखेंगे द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग। इस ग्रोथ से सब क्या हो रहे हैं? अमेज हो रहे हैं। ग्रोथ क्या कर रही है? दूसरों को आश्चर्यचकित कर रही है। फ्रॉम 140 मिलियन कनेक्शंस इन 2005 टू 181 मिलियन कनेक्शंस नाउ इज वेरी। अब ये ग्रोथ कैसी है? बहुत ही। ये ग्रोथ खुद इंप्रेस हो रही है या इंप्रेस कर रही है? इस ग्रोथ की वजह से सब इंप्रेस हो रहे हैं, और सब इंप्रेस हो रहे हैं तो ये इंप्रेसिंग आना चाहिए यहाँ पर। क्या आना चाहिए यहाँ पर? इंप्रेसिंग आना चाहिए। और इसी वजह से जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगर आपको ये बात क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए और मैं दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ता हूं। आपके एग्जाम में आईएनजी को लेकर, ईडी को लेकर अगर कोई सवाल एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा तो इसके बियॉन्ड कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। इसके बियॉन्ड कुछ भी पूछा नहीं जा सकता। आप अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी कलीग को, किसी भी कंपेटिटर को कह सकते हैं मुझे कोई भी सवाल दे दो आईएनजी और ईडी वाला, अगर वो एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज हुआ है मैं कभी गलत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें राइट आंसर बता सकता हूं। और वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होना चाहिए जब आप चीजें सीख रहे हैं। बिल्कुल, सिटीजंस आर इंप्रेस्ड बट ग्रोथ इज इंप्रेसिंग। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो मैं फटाफट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ता हूं। आप सबने एक शब्द सुना होगा, शब्द है इनफ। शब्द क्या है? इनफ। चलिए, एक बार एक बच्चे का डिमांड है, मैं फर्स्ट और सेकंड रिपीट कर देता हूं। देखो, पहले में जो शॉकिंग मैन है, जो लिखा हुआ है ना शॉकिंग मैन, इसका मतलब क्या हुआ? सही गलत बात की बात है, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। ये आदमी किसी को शॉक कर रहा है, ये आदमी किसी को शॉक कर रहा है। इस इतना हिस्सा पढ़कर हमें ये पता चलता है कि आदमी किसी को शॉक कर रहा है। जो समझ चुके हैं वो इनको लिख सकते हैं। बाकी मैं आपके WhatsApp पर एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें ये सारे असाइनमेंट्स फॉरवर्ड करूंगा वर्ड PDF की फॉर्मेट में, तो वहां भी मिलेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। जनरली हर दूसरे सेशन, या हर, ऐसा भी हो सकता है कि हर सेशन दूं और ऐसा भी हो सकता है दो सेशन के बाद दूं, डिपेंड करता है कि मैं कंटेंट कितना कवर कर रहा हूं। बट आप ये मानिए कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज की क्लास के बाद एक असाइनमेंट आपके पास आएगा, ठीक है? अब देखिए, यहां पर ये आदमी शॉक कर रहा है इसके हिसाब से, लेकिन आगे जो कहानी लिखी हुई है ना उससे पता चल रहा है ये शॉक कर नहीं रहा, इसके साथ शॉक, ये उल्टा शॉक हो गया है। क्योंकि कहा जा रहा है कि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया, और दोस्तों ने धोखा दे दिया तो वो शॉक कर थोड़ी ना रहा होगा आदमी। वो खुद शॉक में बैठा हो कि हाय मेरे दोस्तों ने मुझे क्या कर दिया, धोखा दे दिया। धोखा दे दिया तो मैं शॉक करूंगा थोड़ी ना, खुद शॉक बैठा हूं, खुद बैठा हूं तो यहाँ पर शॉक डालना चाहिए। और उसी प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी सुरक्षा को सोचे बिना पानी में कूद गया, और अपने इस कर्तव्य से, अपने इस कारनामे से दूसरे लोगों को उसने क्या कर दिया? शॉक कर दिया। तो यहाँ पर शॉकिंग आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? शॉकिंग आना चाहिए, ठीक है? चलिए फटाफट से दोबारा बढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट में। हम सबने एक वर्ड सुना है अपनी लाइफ में, वर्ड है इनफ। वर्ड क्या है? इनफ। हिंदी में इसको बोलते हैं पर्याप्त। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पर्याप्त। और इंग्लिश में इसका एक दूसरा सिनोनिम है सफिशियंट। क्या है? सफिशियंट। पर्याप्त बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं हम? पर्याप्त बोलते हैं। इनफ मीन्स पर्याप्त, इनफ मीन्स पर्याप्त। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने दो सेंटेंसेस लिखे। मैंने कहा ही हैज
enough money. He has enough money. Dusra sentence likha, he is enough intelligent. Dusra kya likha? He is enough intelligent. He is enough intelligent. Pehla sentence likha, he has enough money. Aur dusra likha, he is enough intelligent. आंसर बताने से पहले, कॉन्सेप्ट समझाने से पहले, एक छोटा सा काम आप सभी से चाहता हूं, मुझे पहले और दूसरे सेंटेंस में मुझे ये बता दीजिए कि ये जो मनी लिखा हुआ है ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा आपके अकॉर्डिंग, और ये जो इंटेलिजेंट लिखा हुआ है ये क्या है, पहले मुझे बताइए मनी क्या होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, क्या होगा, ये वर्ब होगा, क्या है ये, नाउन है, ये क्या है, नाउन है, राइट, क्योंकि नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, और पैसे का नाम क्या है, मनी है, पैसे का नाम क्या है, मनी, तो ये क्या है, नाउन, क्या है ये, नाउन है। अब बताइए जरा जो सेकंड सेंटेंस है जिसमें इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इंटेलिजेंट किसी का नाम तो नहीं हो सकता, कभी किसी का नाम सुना है क्या इंटेलिजेंट, नहीं, उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी क्या हो सकती है, क्वालिटी की, राम इंटेलिजेंट है, राम नाउन है, और किसी की नाउन की क्वालिटी क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, अग्री करते हो, तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग निकालें तो पहले का मतलब निकलता है कि उसके पास पर्याप्त रूप में पैसा है, उसके पास क्या है, पर्याप्त रूप में पैसा है, और दूसरे का निकलता है कि वो पर्याप्त रूप से क्या है, बुद्धिमान है, वो पर्याप्त रूप से क्या है, इंटेलिजेंट है, तो ये दोनों सेंटेंसेस इस तरीके के मीनिंग देते हैं, पहले का मतलब है उसके पास पर्याप्त रूप से पैसा है, और दूसरे का मतलब है वो पर्याप्त रूप से क्या है, वो क्या है, पर्याप्त रूप से क्या है, इनफ क्या है वो मैं बताऊंगा, वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है, यहां पर इंटेलिजेंट मतलब एडजेक्टिव, मनी मतलब नाउन, ठीक है, पर्याप्त रूप से उसके पास पैसा है, पर्याप्त रूप से वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ध्यान रखेंगे, ये जो इनफ वर्ड होता है, ये इनफ जो वर्ड होता है पर्याप्त का मीनिंग तो देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नाउन के साथ अलग तरीके से होता है और एडजेक्टिव के साथ अलग तरीके से होता है। जब हम एडजेक्टिव, जब हम नाउन के साथ इसको यूज करते हैं तो हम इसको लिखते हैं कहां पर, बिफोर नाउन, कहां लिखते हैं इसको, बिफोर नाउन लिखते हैं। जब हम इसको एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, जब हम इसको एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं कहां पर, आफ्टर नाउन, आफ्टर एडजेक्टिव, कहां यूज करते हैं, आफ्टर एडजेक्टिव। तो अगर मुझे इसको सही लिखना है तो मैं लिखूंगा ही हैज इनफ मनी, He is intelligent enough. क्या लिखूंगा, He is intelligent enough. अगर मुझे किसी एडजेक्टिव के साथ यूज करना है तो मैं इसको कहां पर लिखूंगा, बाद में लिखूंगा, कहां लिखूंगा इसको, बाद में लिखूंगा, और अगर मैं इसको पहले लिखना चाहता हूं तो मुझे आगे नाउन चाहिए, नाउन से पहले लिखना है, और एडजेक्टिव का कहां पर लिखना है, बाद में लिखना है, कहां लिखना है, बाद में। ये बात अगर आपके दिमाग में फिट आई है तो मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से लिखिएगा। द गवर्नमेंट इज इनफ स्मार्ट टू टेक द डिसीजंस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड by any other country. The government is enough smart to take the decisions without being influenced by any other country. कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो पर्याप्त रूप से स्मार्ट है अपने निर्णय खुद लेने के लिए बिना किसी दूसरे देश के प्रभाव में आए, बिना किसी दूसरे देश के प्रभाव में आए। पढ़ने में, ट्रांसलेशन में शायद ही हमें सही मालूम पड़ता है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जो ये इनफ वर्ड लिखा हुआ है ना, इसके बाद हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, वर्ड क्या है, स्मार्ट है, और स्मार्ट किसी का नाम तो नहीं होता, स्मार्ट किसी का नाम तो नहीं होता, स्मार्ट उसकी क्वालिटी जरूर हो सकती है, है ना। तो अगर नाम नहीं है तो मतलब नाउन नहीं है, नाम नहीं है तो मतलब नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो सोचना क्या है, इसको बाद में लगाइए और लिखिए द गवर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ, क्या लिखिए, द गवर्नमेंट
is smart enough. The government is smart enough. मैं एक बार दोबारा से रीड आउट कर देता हूं. द गवर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ टू टेक द डिसीजंस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर कंट्री. द गवर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ टू टेक द डिसीजंस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर कंट्री. अगर कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्टली क्लियर है तो पी टाइप करो. मुझे पता चलना चाहिए हर बच्चा इस क्लास को इस कॉन्सेप्ट को समझ पाया. पी टाइप करिए फटाफट से. चलिए बहुत ही बढ़िया. Why we use enough after smart? अच्छा क्या हम जानना चाहते हैं, अगर आप में से कितने लोग इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि यहां पर पहले और यहां पर बाद में क्यों यूज किया. हालांकि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है. कितने लोग जानना चाहते हैं कि वो कारण क्या है, वो रीजन क्या है कि जिस वजह से मैं पहले यूज कर रहा हूं बाद में यूज कर रहा हूं. कोई बताएगा क्या, कोई अगर है ऐसा कुछ कोई इंसान तो एक बार आर टाइप करो, मैं रीजन बताना चाहता हूं. हालांकि समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कारण पता होना चाहिए. चलिए देखिए मैं आपको बताऊं. ये जो पर्याप्त वर्ड है, ये पर्याप्त वर्ड अक्सर क्या होता है, दो काम करता है. एक काम करता है ये एडजेक्टिव का, एक काम करता है ये एडजेक्टिव का. हिंदी में भी हम कह देते हैं पर्याप्त रूप से पानी है घर में, पर्याप्त रूप से दूध है, पर्याप्त रूप से उसके पास नॉलेज है, पर्याप्त रूप से मेरे पास पेन्स है. तो हम कहते हैं कि हमारे पास सफिशियंट पेन्स हैं. तो उस केस में हम इसको संज्ञा के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं. लेकिन कभी कभी हम इसको यूज करते हैं क्वालिटीज के लिए कि वो पर्याप्त रूप से लेजी है, बहुत ही लेजी है, पर्याप्त रूप से लेजी है, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है वो, पर्याप्त रूप से स्मार्ट है वो, पर्याप्त रूप से मेहनती है वो. तो कभी कभी हम इस पर्याप्त को क्वालिटीज के लिए यूज करते हैं, क्वालिटीज के लिए यूज करते हैं. देखो जब नाउन के लिए हम किसी चीज को यूज करते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव, और क्वालिटी मतलब ऑलरेडी क्या होती है, एडजेक्टिव ही होती है. और हम जब क्वालिटी के लिए यूज करते हैं और हम एडजेक्टिव के लिए अगर किसी शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे हम पढ़ेंगे उसको हम जानते हैं किस नाम से, एडवर्ब के नाम से. किस नाम से, एडवर्ब के नाम से. तो ये जो इनफ शब्द है जब संज्ञा के लिए लगता है तब तो होता है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव के लिए लगता है तो होता है ये एडवर्ब. और एडवर्ब जो है हमेशा, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स जो बताते हैं क्वांटिटी के बारे में हमेशा एडजेक्टिव के बाद में लिखे जाते हैं. आगे जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस बात को सीखेंगे कि जो क्वांटिटी के बारे में बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं उनको हमेशा एडजेक्टिव के बाद में लिखा जाता है. कहाँ लिखा जाता है, बाद में. तो जब संज्ञा के लिए लगे तो लिखो पहले, और जब एडजेक्टिव के लिए लगे तो लिखो बाद में. ये कॉन्सेप्ट है. लेकिन क्योंकि अभी हम कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में जाएंगे, हर आंसर को हम पता करने की कोशिश करेंगे. बहरहाल हमारा जो समय है वो पूरा होने वाला है. जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो एक बार फाइनली वाओ टाइप करिए. कल हम बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, डिग्रीज के बारे में बात करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, जहां पर स्ट्रेट अवे आपने जरूर देखो एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं, कुछ बेहतरीन तरीके से जो एग्जाम में काम आएगा उसको हम सीखेंगे. आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं और आप सभी का ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि कैसे भी फर्स्ट जो भी ये अटेम्प्ट है इसी में एग्जाम को क्लियर करना है. कल जब मैंने क्लास को शुरू किया था तो शुरू के 10 मिनट में सिर्फ यही बताया था कि मेरी आप सबसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सपेक्टेशंस हैं. पहला, क्लासरूम का फोकस, समय पर आइए समय पर जाइए. दूसरा, जहां पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं वहां पर कोशिश करिए आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, अपने कैमरा वगैरह आप ऑन रखिए. तीसरा, जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूं, चाहे वो चैप्टर के बाद दूं चाहे मैं डेली दूं, उन पर आप कमांड बनाइए. कमांड बनाने से मेरा मतलब एक बार सॉल्व करना नहीं है, जितनी बार हो जाए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार, आप उनको उतनी बार सॉल्व करिए. ये मैं गारंटी लेता हूं दैट आफ्टर द कोर्स या फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, जो मैं कह रहा हूं वो कर रहे हो, आपको पूरा एग्जाम देखकर ये लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने पहले कभी देखे नहीं थे. आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं कई बार कर चुका हूं. और जब वो फीलिंग आएगी एग्जाम में कि यार ये तो मैंने पहले देखा हुआ है, तो दो चीजें होंगी. पहली बात, राइट आंसर्स ज्यादा आएंगे, और दूसरे क्या होगा,
कि जो समय है उसको करने में जो समय लगता है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। और यही दो चीजें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो एक बार अग्री टाइप करो, फिर मैं क्लास को स्विच ऑफ करता हूँ, मतलब क्लास को मूव ऑन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास आपकी जो है मैथमेटिक्स की लगेगी। होमवर्क के लिए मैं एक बार टीम से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, आप सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। पीडीएफ आपके पास आज पहुंच जाएगी, अगर संभव आज नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ संडे तो कल जब क्लास लगेगा उसके बाद आपको तीनों सेशंस का साथ में ही पीडीएफ मिल जाएगा। बहरहाल जो आपने अपनी नोटबुक वगैरह में लिखा हुआ है उस पर आप फोकस करिएगा। कल मैंने क्लास का शेड्यूल बताया था, 3-4 दिन मैं ग्रामर पर फोकस करूंगा इन अ वीक, एंड द रिमेनिंग 2 डेज आई विल बी फोकसिंग ऑन वोकैबुलरी एंड रीडिंग पार्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।